दोस्तों भारतीय टीम इस समय भले ही इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज और श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए तैयारी कर रही हो, लेकिन सभी की निगाहें इस साल यूएई में होने वाले T20 विश्व कप पर है। इंग्लैंड दौरे पर गई टेस्ट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 विश्व कप में खेलने वाले हैं, लेकिन श्रीलंका दौरे पर गई दूसरे दर्जे की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिल सकता है, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। T20 विश्व कप को देखते हुए हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की अहम खिलाड़ी हैं, क्योंकि वे एकमात्र तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। विजय शंकर और शिवम दुबे भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, लेकिन वे छाप छोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या भी लंबे समय से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें गेंदबाजी करते देखा गया है। और इस तरह टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी मुश्किल T20 विश्व कप से पहले हल होने वाली है। दरअसल हार्दिक पांड्या सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको अपने कोटे के ओवर फेंक सकते हैं और एक मैच फिनिशर के अलावा तेज तर्रार पारी भी खेल सकते हैं। ऐसे में अगर वे गेंदबाजी का भी विकल्प खुला रखते हैं तो फिर उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखना उचित नहीं होगा। इस बीच श्रीलंका दौरे पर गए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने नेट्स में गेंदबाजी की है। श्रीलंका में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की और इंग्लैंड में बैठे टीम मैनेजमेंट को खुशी हुई है कि वे गेंदबाजी की जिम्मेदारी भी संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह उनके और टीम मैनेजमेंट पर है कि वह उन्हें किस तरह खिलाना चाहते हैं। उन्होंने गेंदबाजी की जो अच्छा संकेत है। पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में गेंदबाजी की थी। IPL के दौरान उन्होंने गेंदबाजी नहीं की क्योंकि यह उनका और टीम मैनेजमेंट का फैसला था। वहीं हार्दिक ने एक पॉडकास्ट में कहा, मेरा ध्यान विश्व कप पर है, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं T20 विश्व कप के समय तक गेंदबाजी कर सकूं। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता।